Hello friends, welcome to my channel Raju More Education. Today we are going to discuss about first standard English lesson, The Helpful Girl. The Helpful Girl, yani sabko madad karne wali ladki. Help yani madad. Read and discuss. Once there lived a girl, Rima. She was very helpful. एक समय में एक रीमा नाम की लड़की थी और वो सबको मदद करती थी. वो बहुत ही मददगार लड़की थी. वंस यानी एक समय में, देयर यानी वहाँ पे, लिव यानी रहना, वेरी यानी बहुत, हेल्पफुल यानी मददगार. व्हेन सी वेंट टू स्कूल, सी हेल्प्ड एवरीवन इन द क्लास. वह जब स्कूल जाती थी तो हर एक जन को मदद करती थी. क्लास में जो भी है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, वो उसको मदद करती थी. When any job, went any jana, everyone any her ek jan. When she came back home, she helped her mother and father. जब वो घर आती थी, अपने मम्मी और पापा को हेल्प करती थी, मदद करती थी. Back any वापस, back home any घर वापस. When she went to the playground, she picked up small stones and thorns. जब वो मैदान पे खेलने के लिए जाती थी तो वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर और छोटे छोटे कांटे उठाकर बाजू में फेंकती थी. प्ले ग्राउंड यानी मैदान, खेलने का मैदान. पिक यानी उठाना. स्टोन यानी छोटे छोटे पत्थर. थॉर्न यानी कांटे. स्मॉल यानी छोटे. व्हेन शी वेंट फॉर पिकनिक, शी टुक केयर ऑफ हर फ्रेंड्स. वह जब पिकनिक पे जाती थी तो अपने दोस्तों का ख्याल रखती थी. पिकनिक यानी सैर. केयर यानी ख्याल रखना. फ्रेंड्स यानी दोस्त. व्हेन शी वेंट टू अ शॉप, शी सिलेक्टेड थिंग्स केयरफुली. वह जब दुकान में जाती थी तो बहुत ध्यानपूर्वक वस्तुओं का चयन करती थी. सिलेक्ट यानी चुनना, चयन करना. केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक. शी मेड ग्रीटिंग कार्ड्स फॉर हर फ्रेंड्स एंड गिव देम ऑन देयर बर्थडेज. शी वॉज द बेस्ट गर्ल इन आवर स्कूल. वह अपने दोस्तों के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती थी और उनके बर्थडे के दिन उनको भेंट देती थी. वह हमारे स्कूल में सबसे बेस्ट गर्ल थी. ग्रीटिंग कार्ड यानी भेंट कार्ड. बर्थडे यानी जन्मदिन. बेस्ट गर्ल यानी बहुत अच्छी लड़की. इन दिस वे वी कंप्लीटेड दिस लेसन. ओके चिल्ड्रेन, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद डिफरेंट सब्जेक्ट. गुड बाय, नमस्ते, टेक केयर.